So hi guys, welcome or welcome back to another video. Title से आपको पता चल गया होगा और obviously अगर आपने title देखा है तभी click करके आप यहाँ video पे आए हैं तो आज obviously lipstick पे video होने वाला है. मैंने कभी ऐसी videos नहीं की हैं लेकिन मुझे लगा मैं makeup में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन पहले मैं मतलब makeup में इतना confident नहीं थी तो अभी मैं धीरे-धीरे हो गई हूँ कॉन्फिडेंट इस फील्ड में हूँ मेकअप लुक्स क्रिएट कर रही हूँ और लिपस्टिक्स बिना मेकअप के मतलब पूरा मेकअप आप कर लो और लिपस्टिक ना लगाओ तो मेकअप इनकम्प्लीट रहता है तो लिपस्टिक तो मस्ट है ही और मैं लिपस्टिक की बहुत बड़ी फैन हूँ तो लिपस्टिक्स में मैंने आज टॉप 5 न्यूड लिपस्टिक्स की है क्योंकि मैं ऑब्सेस्ड हूँ न्यूड लिपस्टिक से तो इसीलिए मैंने सोचा कि टॉप 5 न्यूड लिपस्टिक करते हैं. स्पेशली न्यूड लिपस्टिक्स जो है वो मैंने अफोर्डेबल अंडर ₹200 रखी है. क्यों रखी है? क्योंकि टीनेजर भी से ले सकते हैं. अगर लोग जो है ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो उनके लिए भी मैंने इसमें रखा है. इसमें मैंने क्रियोन भी इंक्लूड किया है, बुलेट लिपस्टिक भी इंक्लूड की है और लिक्विड लिपस्टिक भी इंक्लूड की है. तो टोटल 5 लिपस्टिक्स हैं जो मुझे लगता है अंडर 200 में थोड़ा बजट में है और अच्छी हैं और कलर भी अच्छा है. तो यहाँ पे सबसे पहली लिपस्टिक जो है वो मेरी फेवरेट है. मैंने बुलेट लिपस्टिक से स्टार्ट की है क्योंकि मुझे बुलेट लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है. मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा चैप्ड है, बहुत ड्राई रहते हैं. लिप बाम कॉन्टीन्यूसली लगाने के बाद भी लिप्स जो है काफ़ी चैप्ड रहते हैं तो इसलिए मैं बुलेट लिपस्टिक लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ एज़ कंपेरिजन टू लिक्विड लिपस्टिक. लिक्विड लिपस्टिक भी बहुत ऐसी वाली लिपस्टिक्स मेरे पास हैं जो कि लिप्स को ड्राई नहीं करती हैं तो मुझे ये न्यूड लिपस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं. तो इसमें सबसे पहला जो है वो मेबलिन न्यूयॉर्क की ये कलर सेंसेशन मैट लिपस्टिक है जो क्रीमी मैट लिपस्टिक में आती है. मतलब क्रीम भी है साथ साथ मैट फिनिश भी देती है. तो ये जो इसका प्राइस है ना वो ₹209 है. मतलब ₹200 तक का आपको मिल जाएगा ऑफर में. जब मैंने इसको पहली बार ट्राई किया था उस टाइम पे इसका कलर जो मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है रेडिश कलर था. मैंने अपनी ब्राइडल किट में से इंक्लूड किया था. उस टाइम नई नई ये स्टार्ट हुई थी, कुछ ₹300 के अराउंड ये आती थी. तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये जो है इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट किया था. मेबलिन हम सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है तो ये इसका कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा. इसको अप्लाई करने के बाद आपके लिप्स जो है वो चैप नहीं रहते, इसको रीअप्लाई करना पड़ता है. ऑब्वियसली ट्रांसफ़र होती है लेकिन अगर आपको आदत नहीं है अपने लिप्स को चैप करने की मतलब तो ये लंबे समय तक आपके लिप्स पर रहेगी लेकिन आपको हर 2 घंटे में इसको रीअप्लाई करना पड़ता है. तो ये अच्छी चीज़ मुझे लगती है, रीअप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अभी मास्क का ज़माना है तो बुलेट लिपस्टिक्स जो है वो थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं लेकिन मुझे ये ग्लॉसी मैट फिनिश काफ़ी अच्छी लगती है. ये बहुत ज़्यादा मैट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये ग्लॉसी साइड पर भी नहीं है तो एक न्यूट्रल शेड है. ये शेड जो है हर स्किन टोन पर चला जाता है तो इसलिए भी मुझे ये पसंद है. चाहे आप जो है वो फेयर साइड पर हो या फिर आप जो है डस्की साइड पर हो, ये दोनों पर बहुत ब्यूटीफुल लगता है शेड. तो नेक्स्ट जो लिपस्टिक है वो है बुलेट लिपस्टिक ही है. ये बायोटिक की लिपस्टिक है, ₹93 है. इसमें काफ़ी सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे. इसका शेड जो है वो ट्विंकल पिंक है. ये जो लिपस्टिक है ये मैंने अभी अपने लिप्स पे अप्लाई की हुई है. ये बहुत ज़्यादा ग्लोसी साइड पे है, क्रीमी ग्लोसी साइड पे. ये आपके लिप्स को काफ़ी मॉइस्चराइज भी करती है और इसके साथ साथ आपके लिप्स को एक कलर टिंट देती है. बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा न्यूड साइड पे है, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं है कि चंकी पिंक कलर है, मतलब काफ़ी न्योन पिंक कलर है वैसा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसा लाइट कलर भी नहीं है कि आपको सूट नहीं करेगा. तो ये शेड भी हर जो स्किन टोन है उस पर ये जाने वाला है इसलिए भी मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. इसका जो मेन रेंज है ये है मैगी कलर लिपस्टिक और ये बायोटिक की है. बायोटिक का मेकअप हम सब लोगों को मालूम है नेचुरल मेकअप होता है तो इसलिए भी है इसको हर 1 घंटे में आपको रीअप्लाई करना पड़ता है. ट्रांसफ़र भी ये होती है तो पर ठीक है, मतलब आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं अगर टीन एज में हैं या फिर आप कॉलेज जा रहे हैं, ज़्यादा लिपस्टिक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और एक अच्छे लिपस्टिक अच्छे ब्रांड के लिपस्टिक आप ढूंढ रहे हैं, लिप बाम का कुछ ऑल्टरनेट ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये लिपस्टिक ज़रूर ट्राई करनी चाहिए. काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी और काफ़ी अच्छा लिप शेड है. मतलब इस तरीके के शेड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं. अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इस तरीके के लिप शेड्स मैं ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो थोड़ा ब्राउनिश साइड पे भी होते हैं
और थोड़ा सा मतलब पिंक के साइड पे भी होते हैं, तो इस तरीके के लिपस्टिक्स मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं और इस तरीके के शेड्स जो है वो मैं कपड़ों में भी पसंद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं थर्ड शेड की तरफ, थर्ड लिपस्टिक की तरफ। ये भी न्यूड लिपस्टिक है, ये ब्लू हेवन की हाइपर स्टे वेटलेस लिक्विड मैट लिपस्टिक है। ठीक है, ये लिक्विड मैट लिपस्टिक है, ये इजिली आपके लिप्स के ऊपर अप्लाई हो जाती है, काफी इजिली ग्लाइड हो जाती है, आपके लिप्स को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं बनाती, आपके लिप्स काफी स्मूथ रहते हैं इसको अप्लाई करने के बाद। 4 से 5 घंटे तक खाना पीने के बाद भी आपके लिप्स पे स्टे रहती है, मुझे ये चीज भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। एप्लीकेशन भी काफी ज्यादा अच्छा है, इसका वॉन्ड जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, जिससे कि आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छा लगा मुझे ये, और इसके अंदर हल्की सी आपको फ्रेग्रेंस भी देखने को मिलती है। इसका प्राइस जो है वो 78 रुपीज है, प्राइस के हिसाब से ये काफी अच्छी क्वालिटी की है और काफी अच्छा मतलब आपको मिल रहा है। ब्लू हेवन जो है वो बहुत बड़ा मतलब बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत ट्रस्टवर्दी ब्रांड है और बजट में भी आपको मिल जाती है, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि इसकी बुलेट लिपस्टिक्स तो आती थी, अब लिक्विड लिपस्टिक भी बजट में आपको मिल रही है। 73 रुपीज इसका MRP जो है, 73 रुपीज जो है वो इसका आपको Amazon पे करना है। अगर लोकल मार्केट में आप ट्राई करेंगे तो 50 रुपए के अंदर आपको ये लिपस्टिक मिल जाएगी बहुत ईजिली, तो ये भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ। ये भी हर स्किन टाइप पे जाएगी, अगर आपको ब्राउन शेड पसंद है तो ये डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है। इसमें आपको काफी वाइड रेंज मिल जाती है, मेरा शेड इसमें 12 है, तो आपको काफी सारे और भी शेड्स इसमें देखने को मिलेंगे, डार्क में भी और लाइट में भी, न्यूड में भी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो लिपस्टिक है वो है ये MNK किस प्रूफ लिपस्टिक, ये क्रियोन में आती है। इसमें भी मैंने ये 12 का सेट मंगवाया था, उसमें से सिर्फ यही लिपस्टिक बची है, क्योंकि मुझे पसंद है। अगर आप कोई हैवी आई मेकअप कर रहे हैं तो ये काफी अच्छी लगती है, अगर आप जो है फेयर स्किन टाइप वाले हैं, कि सिर्फ उस पर जाएगी, डस्की वालों पर ये बिल्कुल सूट नहीं करेगी। तो ये जो है आराम से काफी मैट लिपस्टिक है, क्रियोन में लिक्विड लिपस्टिक से ज्यादा क्रीमी मैट लिपस्टिक फिनिश देता है और आपके लिप्स को ड्राई नहीं बनाता है, हल्का सा पाउडरी टेक्सचर में आता है जो कि इसका फ्लॉज है, बाकी ये लगाए हुए काफी खूबसूरत लगती है। अगर आपने कोई हैवी मेकअप आई मेकअप किया हुआ है उसके साथ आप इस लिपस्टिक पे जा सकते हैं। ऑब्वियसली मेरे जो ड्रेस है, आउटफिट है और आई मेकअप है उसके साथ ये अभी नहीं जा रही है, लेकिन अगर आप इसे कुछ हैवी आई मेकअप के साथ कैरी करेंगे तो ये काफी अच्छी लगने वाली है। नेक्स्ट जो लिपस्टिक है वो है हमारी स्विस ब्यूटी की मैट लिपस्टिक, इसमें शेड जो है वो 03 कॉफी कैफे है। तो ये जो शेड है ये आई नो कि न्यूड में नहीं आता, लेकिन ये चॉकलेट ब्राउन शेड है जो कि हर स्किन टाइप पे जाने वाला है, काफी खूबसूरत है। इसका वेंट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, स्विस ब्यूटी के ब्रांड जो है वो वैसे ही काफी ज्यादा अच्छे अफोर्डेबल चीजें बनाता है। इसका वेंट आप देख सकते हैं कि आराम से इजिली आप अपने लिप्स पे ग्लाइड कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं, आपको लिप लाइनर की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी सी मुझे ये चीज लगती है कि ये आपके लिप्स को हल्का ड्राई कर लेती है, लेकिन आपको इसको अप्लाई करने से पहले अच्छे से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना पड़ेगा किसी अच्छे लिप बाम से। उसके अलावा ये लिपस्टिक वैसे अदरवाइज काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, काफी अच्छे से आपके लिप्स के ऊपर ग्लाइड हो जाती है, शेप आराम से बन जाती है, हल्का सा लिप्स को ड्राई करती है जैसे कि मैंने बोला। बाकी अदरवाइज ये लिपस्टिक काफी ज्यादा अच्छी लगती है, अफोर्डेबल रेट पे है, सबसे बड़ी बात टीन एजर्स के लिए, और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन लिपस्टिक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ 5 लिपस्टिक है, इसके अलावा L18 की भी लिपस्टिक्स आती है जो कि बुलेट लिपस्टिक होती है अगेन, और आपके लिप्स को मॉइस्चराइज कर देती है। लेकिन अभी आजकल मास्क के टाइम पे मैं आप लोगों को ये 2 लिपस्टिक रिकमेंड करूंगी जो मास्क पे ट्रांसफर भी नहीं होगी और इसके साथ साथ लंबे समय तक आपके लिप्स पर भी स्टे रहेगी। तो ब्लू हेवन की लिपस्टिक मैं आपको रिकमेंड करूंगी और स्विस ब्यूटी की मैट में लिपस्टिक मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप अफोर्डेबल में लिक्विड लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं जो कि ट्रांसफर ना हो मास्क के ऊपर, तो आप इन 2 लिपस्टिक्स को ट्राई कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये वीडियो जो है यहीं पर मैं आपको खत्म करूंगी। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर लेना। कोई भी परचेज करना हो तो माई हॉल स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी जितनी भी लिपस्टिक है वो उसमें मिल जाएंगी, आपको अलग अलग से एक एक लिंक को क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, या कोई शिकायत करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID है अनुप्रिया ब्लॉग्स। तो मिलते फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।